डिफरेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके लाइट्स, ये वाइट वाली पूरी हमारी DRL है जो हमने लगाई हुई है, और इसका ये मेन प्रोजेक्टर है जिसके अंदर आपके यहाँ पे ये रेड रिंग और इसकी ये ब्लू कलर की रिंग दिखाई दे रही होगी, जैसे कि ये रेड वाली रिंग है आउटर रिंग जो है, और ये उसके अंदर फिर ब्लू वाली रिंग है, और इसके मेन प्रोजेक्टर इसके अंदर भी लाइट थी लेकिन अभी वो बंद की हुई है मैंने, और मैं आपको इसकी कॉस्ट डिटेल और बाय लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसकी लाइट मतलब कैसे चलता है ये, और ये हमने यहाँ पे प्रोजेक्टर ऑन किया, इसकी ब्लू लाइट जो है थोड़ी डल हो जाती है। देखिए साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये प्रोजेक्टर यहाँ से ऑन हो गया, उसकी लाइट वैसे काफ़ी तेज़ी जैसा आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, बिल सब कुछ डल हो गया यहाँ पे, और मतलब इसकी मैं जैसे लाइट बंद करूँगा आप देखने सब ब्राइट हो जाएगा एकदम। ये देखिए अच्छा खासा दिन हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन इसकी लाइट में फिर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है, और ये अभी ओनली लो बीम पर है। मैं आपको यही हाई बीम पर करके दिखा देता हूँ, और ये हाई बीम पर होगी आपकी लाइट, और इसकी रोशनी मैं आपको अभी नाइट में टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसमें आप एक फ़ैन भी चल रहा है, आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बैठे वो दिख नहीं पाएगा वैसे तो भी, यहाँ पे काफ़ी अंदर लगा हुआ है फ़ैन, ये जो आपको ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा वो इसका फ़ैन ही है, आई थिंक शायद आपको दिख जाए वो, तभी मैं ट्राई करता हूँ, नहीं खैर अभी तो आपको दिख नहीं पा रहा है, ये जो ब्लू कलर का लगा हुआ है ये आपका इसमें फ़ैन है, और मतलब ये जो फ़ैन होता है मेनली इस प्रोजेक्टर को, जो प्रोजेक्टर है इसकी जितनी हीट होती है LED बल्ब से कम, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, तो उसे मैनेज करने के लिए काम आता है, मतलब जो हीट है उससे मतलब कम करता है ये, इसमें हीट सिंक लगी होती है वैसे तो जो कि सारी हीट खींचती है, लेकिन वो भी काफ़ी हीट हो जाती है, तो उसके लिए इसमें फ़ैन लगा हुआ होता है, तो वो ये वैसे बिना फ़ैन के भी आता है, लेकिन फ़ैन वाला लो तो आपको ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। तो आपको मैं इसका सब कुछ प्रोडक्ट का जितना भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है और इनका बाय लिंक सब आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही।